आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं तीनों ही कैटेगरी के ब्रोकर्स को, यानी फुल सर्विस, डिस्काउंट और जीरो ब्रोकर्स। यानी हम कंपेयर करेंगे एम स्टॉक, शेयर डॉट मार्केट, अप स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, धन, ग्रो और जीरोधा को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे बेसिक डिटेल से, आगे इनके बेसिक चार्जेस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ब्रोकरेज जैसे हर इंपॉर्टेंट चीज को भी कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इनके टाइप्स की बात की जाए तो एम स्टॉक एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि एक जीरो ब्रोकरेज प्लान भी ऑफर करता है। शेयर डॉट मार्केट भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, पर अभी ये एक जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है। अप स्टॉक, एंजल वन, धन सभी डिस्काउंट ब्रोकर है। वही मोतीलाल ओसवाल एक फुल सर्विस ब्रोकर है, तो ग्रो और जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर है। अब बेसिक डिफरेंस फुल सर्विस, डिस्काउंट और जीरो ब्रोकर्स में ये होता है कि फुल सर्विस की फीस हमेशा ज्यादा रहती थी, यानी कि अब वो फीस लगभग बराबर ही हो चुकी है डिस्काउंट के। तो अब ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है डिस्काउंट और फुल सर्विस में। हालांकि ये जो जीरो ब्रोकरेज कैटेगरी है ये अभी नहीं आई है, क्योंकि ये पहले नहीं था। यहाँ पे ब्रोकर्स आपसे कोई ब्रोकरेज ही नहीं लेता, तो ये चीज आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये चीज कितनी सही है। डाउनलोड्स की बात की जाए तो एम स्टॉक के 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं, शेयर डॉट मार्केट के हैं 10 लाख प्लस, अप स्टॉक के हैं 1 करोड़ प्लस, एंजल वन के हैं 5 करोड़ प्लस, धन के हैं 10 लाख प्लस, मोतीलाल के हैं 50 लाख प्लस, ग्रो के हैं 5 करोड़ प्लस, तो जीरोधा के हैं 1.3 करोड़ प्लस। रेटिंग जो हमें प्ले स्टोर पे देखने के लिए वो एम स्टॉक में थी 4.2 स्टार, शेयर डॉट मार्केट में थी 3.8, अप स्टॉक की 4.5, एंजल वन की 4.4, धन की 4.5, मोतीलाल ओसवाल की 4.2, तो ग्रो की 4.4 और जीरोधा की 3.8। तो अब देख लेते हैं इन ब्रोकर्स से जुड़े बेसिक चार्जेस को। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको एम स्टॉक में 0 रुपीज देने होंगे, हालांकि इसके आगे हमने 999 रुपीज भी रखा है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। शेयर डॉट मार्केट में है 0 रुपीज, आप स्टॉक में भी 0 है, एंजल वन में 0 है पर NRI के लिए 500 है, धन में 0 है, मोतीलाल ओसवाल में भी 0 है, ग्रो में 0 है और जीरोधा में 200 से लेकर 300 रुपीज है। 200 रुपीज तब देना होगा जब आप कमोडिटी को एक्टिवेट नहीं करेंगे, वहीं अगर आप कमोडिटी सेक्शन भी एक्टिवेट करना है तो 300 रुपीज हो जाएगी। अब एम स्टॉक की बात करें तो इनका जो दूसरा प्लान है उसमें 999 रुपीज की अगर आप वन टाइम फीस दे देते हैं तो आपका ब्रोकरेज 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आप अकाउंट ओपनिंग के समय कोई फीस ऐसी नहीं देते हैं, यानी फ्री में अकाउंट ओपन करते हैं, तब आपको ब्रोकरेज लगेगा। वहीं 999 की वन टाइम फीस के बाद कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज को देखें तो वो है 480 रुपीज पर ईयर और 999 रुपीज, इनमें से जो भी आप देना चाहें। एक्चुअली देना चाहेगा मतलब ये कि अगर आप 999 रुपीज की वन टाइम फीस इसमें दे देते हैं तो आपसे कभी भी AMC नहीं लिया जाएगा, अदरवाइज आपको 480 रुपीज पर ईयर देना पड़ेगा। शेयर डॉट मार्केट में पहले साल आपसे कोई AMC नहीं लिया जाएगा, फिर आपसे 180 रुपीज हर साल लिए जाएंगे। अब स्टॉक में एज ऑफ नाउ अंडर ऑफर 0 रुपीज है, एंजल वन में है 240 रुपीज जो कि NRI के लिए है 450 रुपीज, वहीं अगर NRI 2950 की वन टाइम पेमेंट कर देते हैं तो उन्हें कोई AMC नहीं देना पड़ेगा। धन में है 0 रुपीज, मोतीलाल ओसवाल में भी पहले साल आपको कोई AMC नहीं देना, फिर आपको 200 रुपए पर ईयर देना पड़ेगा। ग्रो में 0 रुपीज है, तो जीरोधा में है 300 रुपीज। स्क्वायर ऑफ चार्जेस की बात की जाए, यानी जब ब्रोकर अपनी तरफ से आपकी किसी ओपन पोजीशन को क्लोज करता है तो वो जो चार्ज लेता है वो एम स्टॉक में है 60 रुपीज, शेयर डॉट मार्केट में 30 रुपीज, अप स्टॉक में है 50, एंजल वन में है 20 रुपीज, धन में है 20 रुपीज, मोतीलाल ओसवाल में हमें क्लैरिटी के साथ ये डाटा नहीं मिला इसलिए हमने मेंशन नहीं किया, ग्रो में है 50 रुपीज, जीरोधा में है 50 रुपीज। आगे बात करें DP चार्जेस की तो एम स्टॉक में है 12, शेयर डॉट मार्केट में 13.5, आप स्टॉक में है 18.5, एंजल वन में 20 रुपीज है पर BSDA क्लाइंट के लिए है 50 रुपीज, धन में है 12.5 रुपीज और मोतीलाल ओसवाल में है 0.07% या 75 रुपीज जो भी हायर होगा। वहीं ग्रो में है 13.5 रुपीज, तो जीरोधा में है 13 रुपीज। तो अब देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको क्या मिलेंगे। तो ऑब्वियसली इक्विटी का ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर करेंसी में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे शेयर डॉट मार्केट के जरिए और ग्रो के जरिए। वहीं कमोडिटी में अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो एम स्टॉक, शेयर डॉट मार्केट और ग्रो आपके लिए नहीं है। अब आता है मेन पॉइंट, यानी कि ब्रोकरेज। तो सबसे पहले डिलीवरी का ब्रोकरेज देख लेते हैं। तो एम स्टॉक में आपको 0 ब्रोकरेज देना होगा। अब प्लान आपको कोई भी हो, आपने चाहे 0 ब्रोकरेज प्लान लिया हो या नॉर्मल हो, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। शेयर डॉट मार्केट में है 0.05% और 20 रुपीज। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज बताना भूल गए कि शेयर डॉट मार्केट में अगर इस महीने यानी जुलाई में आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 0 ब्रोकरेज देना पड़ेगा डिलीवरी इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन में अप टू 31st December 2024। अब हो सकता है ये ऑफर एक्सटेंड भी हो जाए तो वो बात अलग है, पर एज ऑफ नाउ अगर आप शेयर डॉट मार्केट के साथ ओपन करवाएंगे अकाउंट तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। बाकी उस ऑफर के ओवर होने के बाद आपको ये ब्रोकरेज देना पड़ेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब स्टॉक में डिलीवरी ब्रोकरेज है 2.5% और 20 रुपीज जो भी लोअर होगा। ठीक, ऐसा ही शेयर डॉट मार्केट में भी था, क्योंकि जनरली ब्रोकरेज आपसे लोअर साइड वाला लिया जाता है। एंजल वन में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना, धन में भी नहीं देना, मोतीलाल ओसवाल में 0.2%, ग्रो में है 0.05% और 20 जो भी लोअर होगा जैसा हमने बताया, और जीरोधा में है 0। इंटरडे की बात की जाए तो एम स्टॉक में आपको देने हैं 0.3% और 20 रुपीज। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने वो प्लान ले लिया है 0 ब्रोकरेज वाला तो आपको इंटरडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सभी में 0 ब्रोकरेज ही देना है।
अगर वो प्लान आप नहीं लेते हैं तब ये ब्रोकरेज आप पे लगेगा। शेयर डॉट मार्केट में है 0.05% और 20 आप स्टॉक में भी सेम है। एंजल वन में है 0.03% और 20 रुपीज। यहाँ पे भी एक ऑफर अभी चल रहा है कि जीरो ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा इंट्राडे पे एफएनओ पे फॉर फर्स्ट 30 डेज या फिर जब तक आपका ब्रोकरेज 500 रुपीज के अंदर रहता है। तो ये एंजल वन का अभी ऑफर चल रहा है, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। बाकी धन में है 0.03% और 20, मोतीलाल ओसवाल में 0.02%। यहाँ पे मोतीलाल का भी एक ऑफर है कि जीरो ब्रोकरेज है एफएनओ पे फॉर फर्स्ट 30 डेज या फिर अप टू 1000 रुपीज, यानी जो भी पहले एग्जॉस्ट होगा या तो ब्रोकरेज 1000 से ऊपर चला जाए तो ये ऑफर एग्जॉस्ट हो जाएगा, नहीं तो अगर 30 डेज ओवर हो जाते हैं तो उसके बाद ही आप एक ब्रोकरेज लगेगा। ग्रो में है 0.05% और 20, तो जीरोधा में 0.03% और 20 रुपीज। अब बारी आती है फ्यूचर्स की, तो एम स्टॉक में है 0.3% और 20, शेयर डॉट मार्केट में है फ्लैट 20, अप स्टॉक में है 0.05% और 20, एंजल में भी है फ्लैट 20, धन में है 0.03% और 20, मोतीलाल में है 0.02%, ग्रो में है फ्लैट 20, तो जीरोधा में 0.03% और 20 रुपीज। वहीं ऑप्शंस की बात की जाए तो सभी में फ्लैट 20 रुपीज आपको देने होंगे। अब यहाँ पे आपको एक और बार बता देते हैं ऑफर्स के बारे में। तो एम स्टॉक का एक ऑफर है जिसमें आपको 1998 की फीस देनी है, आपको कोई ब्रोकरेज और एमसी कभी नहीं देना पड़ेगा। शेयर डॉट मार्केट का ऑफर ये चल रहा है कि अगर आप जुलाई में अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आपको इस साल 31 दिसंबर 2024 तक जीरो ब्रोकरेज देना होगा। अब स्टॉक में कोई ऑफर नहीं है। एंजल वन में ये ऑफर है कि जीरो ब्रोकरेज देना है इंट्राडे और एफएनओ पे फॉर फर्स्ट 30 डेज या फिर ब्रोकरेज 500 रुपए से ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको जीरो ब्रोकरेज देना होगा। धन में भी कोई ऑफर नहीं है। मोतीलाल का ऑफर ये था कि जीरो ब्रोकरेज ऑन एफएनओ फॉर फर्स्ट 30 डेज या फिर अप टू 1000 रुपीज। तो ये थे सभी ऑफर्स। अब आगे देख लेते हैं कि आपको और कितने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं इन ब्रोकर्स के साथ। तो इन सभी ब्रोकर्स के जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे, आईपीओ भी आपको सभी में मिलेगा और ETFs में भी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे हमने रिपोर्ट्स की जानकारी भी दे दी है कि किसके साथ आपको रिपोर्ट मिलेगी। एक्चुअली रिसर्च रिपोर्ट आपको जनरली फुल सर्विस ब्रोकर से देते थे, हालांकि यहाँ पे आपको एंजल वन दे ही रहा है और मोतीलाल ओसवाल तो दे गए क्योंकि वो फुल सर्विस ब्रोकर है। तो इसमें आपको कुछ रिकमेंडेशंस मार्केट का एनालिसिस मिल जाएगा जो आपको मदद करेगा ट्रेड्स लेने में, पर इन पे कभी भी आग बंद करके भरोसा ना करें, अपना भी एनालिसिस जरूर करें। तो आपने सारे चार्जेस को देख लिया, सारी सर्विसेज को देख लिया, पर यहाँ पे ब्रोकरेज भले ही किसी का कम हो या जीरो हो पर कुछ चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे, तो उन चार्जेस की बात अब हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारी वेल नोन हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया है कि हम 100 शेयर्स खरीदते हैं जिनका प्राइस है 100 रुपीज पर शेयर, उन्हें हम खरीदते हैं और बेच देते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमें कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ है। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चल जाता है कि कौन कितना चार्ज ले रहा है। तो शुरुआत करेंगे एम स्टॉक में। तो जब आप यही शेयर्स डिलीवरी में सेल और बाय करेंगे तो ओवरऑल आपको 74 रुपीज देने होंगे। वहीं इंट्राडे में 15 रुपीज, फ्यूचर्स में 71 रुपीज, तो ऑप्शंस में 65 रुपीज। शेयर डॉट मार्केट का डाटा हमने नहीं प्रोवाइड किया है क्योंकि किसी भी दूसरी रिलायबल साइट और इनकी ऑफिशियल साइट में भी ये डाटा हमें नहीं मिला। अब स्टॉक आपसे डिलीवरी में 69 रुपीज लेगा, इंट्राडे में 15 रुपीज, फ्यूचर्स में 13 रुपीज, तो ऑप्शन में 52 रुपीज। एंजल वन डिलीवरी के लिए 46 रुपीज लेगा, इंट्राडे के लिए 11 रुपीज, फ्यूचर्स में 50, ऑप्शंस में 65। वहीं धन के चार्जेस देखें तो ओवरऑल डिलीवरी के लिए रहेंगे 22, इंट्राडे के लिए 11, फ्यूचर्स के लिए 8, ऑप्शंस में 52। मोतीलाल ओसवाल के चार्जेस रहेंगे डिलीवरी के लिए 70, इंट्राडे के लिए 9, फ्यूचर्स के लिए 8 और ऑप्शंस के लिए 66। ग्रो के रहेंगे डिलीवरी के लिए 34, इंट्राडे के लिए 15, फ्यूचर्स के लिए 49 और ऑप्शंस के लिए 65 रुपीज। तो जीरोधा आपसे डिलीवरी के लिए चार्ज करेगा 24, इंट्राडे के 12, फ्यूचर्स के लिए 9 और ऑप्शंस के लिए 67, यानी कि ये आपसे चार्ज किया जाएगा ऑन अ टर्नओवर ऑफ 20,000 रुपीज, जहां पे आपने 10,000 के स्टॉक्स खरीदे और फिर उन्हीं 10,000 स्टॉक्स को बेचा। तो ये था हमारा फंड कंपैरिजन, इनमें से किस ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा रखा है और आपको कैसी सर्विसेज मिल रही हैं, ताकि दूसरे व्यूवर्स की भी मदद हो सके। बाकी ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।